हवाई जहाज का दाम 526 से 1600 करोड़ रुपए तक बढ़ा है। वो किसका डिसीजन था? क्या वो नरेंद्र मोदी का निर्णय था या फिर वो इंडियन एयरफोर्स का डिसीजन था? राफेल का दिन एक बार फिर से बोतल के बाहर निकल चुका है। जी हाँ, पिछले दिनों राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर राफेल डील में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था और जिस प्रकार से फ्रांस के एक न्यूज़ पोर्टल द्वारा खुलासा किया गया था कि बिचौलिए ने दलाली खाई है, उसके बाद राहुल गांधी एक बार फिर से पीएम मोदी पर आक्रामक हो गए और अपने सभी जनसभाओं में पीएम मोदी पर राफेल में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते फिर से दिख रहे हैं। बंगाल चुनाव हो या फिर अभी तमिलनाडु केरल में जिस प्रकार से चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बार बार राफेल में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, अब आज इसमें एक और नया मोड़ आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राफेल डील में मुकदमा चलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर किया है। जी हाँ, ये याचिका मनोहर लाल शर्मा नाम के एक व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट में दायर किया है, जिसमें इस डील के बिचौलिए सुमन गुप्ता के खिलाफ भी मुकदमा दायर करने की मांग की गई है। शर्मा ने जो याचिका दाखिल किया है उसमें कहा गया है कि अदालत की देखरेख में इस मामले की सीबीआई जांच कराई जाए, तभी इसके परत दर परत भ्रष्टाचार के जो मामले हैं वो खुलेंगे, नहीं तो इसमें सीबीआई भी इसे सही से जांच नहीं कर पाएगी क्योंकि केंद्र सरकार का दबाव रह सकता है। अब देखना है कि इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए मंजूर करती है या नहीं, क्योंकि पहले भी राफेल पर कई बार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल किया गया जिसे सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के बाद पीएम नरेंद्र मोदी और राफेल डील को क्लीन चिट दे दिया था। क्लीन चिट मिलने के बाद मामला एक तरीके से ठंडे बस्ते में जाता हुआ दिख रहा था, लोग भूल भी गए थे, लेकिन एक बार फिर से राफेल का जिन बोतल के बाहर आ गया है और अब ये जिन क्या गुल खिलाता है ये देखने वाली बात होगी। इसे देखने के लिए, जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।